हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं आपको इंसर्ट ऑपरेशन ऑन रेड एंड ब्लैक ट्रीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरा पहले वाला जो वीडियो है रेड एंड ब्लैक ट्री का इंट्रोडक्शन, वो आप देखिए। यहाँ पे मैं फ्लैश भी कर रही हूँ उसका शॉर्टकट, सो प्लीज वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये इंसर्ट ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एवीएल ट्री है उसके इंसर्ट ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो अगर एवीएल ट्री होता है तो उसके इंसर्ट ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं रोटेशन ऑपरेशन। अगर आफ्टर परफॉर्मिंग इंसर्शन हमारा जो ट्री बन रहा है वो बैलेंसिंग नहीं है, इम्बैलेंस है, तो हम रोटेशन यूज करते हैं। बट अभी हम जो रेड एंड ब्लैक ट्री देख रहे हैं उसके लिए हमारे पास दो टूल्स अवेलेबल है। वो दोनों टूल्स है, पहले तो हम करके देखेंगे रीकलरिंग। अगर रीकलरिंग से हमारा रेड एंड ब्लैक ट्री बैलेंस हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रीकलरिंग से नहीं हो रहा है तो हम रोटेशन करके हमारा रेड एंड ब्लैक ट्री जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हम डिसाइड करने वाले हैं रीकलरिंग करना है या रोटेशन करना है वो किस पे निर्भर है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे दो केसेस होती है, और वो जो दोनों केसेस होती है तो वो दोनों केसेस डिपेंड होती है कलर ऑफ अंकल पे। माने जो हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं उसके अंकल का कलर हमें देखना है, तो उसके अंकल के कलर पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें रीकलरिंग करना है या रोटेशन करना है। तो सबसे पहले केस, पहला केस ये होता है कि अगर अंकल का कलर रेड है तो हमें क्या करना है, हमें करना है रीकलरिंग। पर अगर अंकल का कलर ब्लैक होता है तो हमें पहले करना है रोटेशन, और अगर जरूरत पड़े तो हमें करना है रीकलरिंग। तो ये दोनों केसेस जो है वो मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहला केस हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। तो हमें कंसिडर करना है कि जो एक्स है वो जो हम नया नोड इंसर्ट करने वाले हैं वो नया नोड का नाम है एक्स। उससे पहले हम पहला स्टेप फॉलो करेंगे, तो वो है कि हम नोड जो इंसर्ट करने वाले हैं वो इंसर्ट ऑपरेशन हम फॉलो करने वाले हैं स्टैंडर्ड बीएसटी इंसर्शन। मतलब बीएसटी इंसर्शन ऑलरेडी हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। आपको ये भी अगर देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू बीएसटी प्रॉपर्टी हम नोड इंसर्ट कर लेंगे, और एवरी टाइम जो हम नया नोड इंसर्ट करने वाले हैं उसका कलर हम रखेंगे रेड एवरी टाइम। अभी उसके बाद हमें स्टेप टू क्या फॉलो करना है, हमें चेक करना है कि जो हम एक्स यानी नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो अगर रूट होता है, मतलब अदर वे राउंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट नोड है जो हम ट्री में इंसर्ट करने वाले हैं वो बन जाएगा आपका रूट, और हमारी रेड एंड ब्लैक ट्री प्रॉपर्टी की हिसाब से ऑलवेज हमारा जो रूट नोड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए हम उसका कलर चेंज कर लेंगे। हम वो जो इंसर्ट नया वाला नोड इंसर्ट किया है वो जो रेड होता है वो हम ब्लैक कर लेंगे, और हमारा रेड एंड ब्लैक ट्री जो है विथ अ सिंगल रूट नोड, अभी ये हमारा बैलेंस्ड रेड एंड ब्लैक ट्री है जो हर एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो दो केसेस हमने देखी थी उसमें से हम पहली केस यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो हम नया नोड इंसर्ट करने वाले हैं वो रूट नोड नहीं है। अगर वो रूट नोड नहीं है इसका मतलब उसका ऑब्वियसली कोई तो भी पैरेंट होगा, तो हम पैरेंट का कलर भी चेक करेंगे।
अगर पेरेंट का कलर ब्लैक नहीं है, इफ एक्स पेरेंट इज नॉट ब्लैक, मीन्स अदर वे राउंड, पेरेंट का कलर जो है वो रेड है, तो हमें सबसे पहले अंकल का कलर भी चेक करना है. तो पहला केस जो है वो है, अंकल का कलर अगर रेड होता है तो हमने प्रीवियस स्लाइड में ही बोला था कि हमें रिकलरिंग करना है. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेरेंट भी रेड है, अंकल भी रेड है, ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट का कलर कौन सा होगा, वो हो जाएगा ब्लैक, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 जो करंटली फॉर्म रेड एंड ब्लैक ट्री है वो बैलेंस होने के लिए प्रॉपर्टी 4 फॉलो होनी चाहिए. सो एज फार एज प्रॉपर्टी 4 इज कंसर्न, तो कंटिन्यूअस टू नोड्स, एडजेसेंट टू नोड्स जो है वो रेड नहीं होने चाहिए. इसलिए पेरेंट एंड अंकल का अगर कलर रेड है तो ग्रैंड पेरेंट का कलर ब्लैक हो जाएगा, रहेगा वहां पे. तो सबसे पहले हम, ये अगर केस है तो सबसे पहले हम पहली केस फॉलो करेंगे, वो है रिकलरिंग. तो रिकलरिंग में हम अभी क्या करने वाले हैं, तो हम चेंज करने वाले हैं कलर. किसका? तो हम चेंज करने वाले हैं कलर पेरेंट का एंड अंकल का. जो अभी दोनों रेड है वो हम करने वाले हैं ब्लैक, एंड उसके बाद हम ग्रैंड पेरेंट का कलर रेड करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमने दो जगह पे रिकलरिंग किया है. सबसे पहले हमने रिकलरिंग किया पेरेंट और अंकल नोड का, जो पहले रेड थे वो हमने ब्लैक बना दिए, और बाद में किया रिकलरिंग ग्रैंड पेरेंट का, जो पहले ब्लैक था वो हमने रेड कर दिया है. और अभी इसके बाद आप देख सकते हो कि तुम्हारा जो ट्री बन रहा है वो हर एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है, द सेम सिनेरियो. यहाँ पे आप देख सकते हो जो नया नोड इंसर्ट किया हुआ है ऑब्वियसली वो रेड कलर का होगा. पहले ही बताया हुआ है वैसे पेरेंट भी रेड है, अंकल भी रेड है, और ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट ब्लैक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेरेंट और अंकल का कलर ब्लैक कर देंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों का कलर ब्लैक हो गया है. साइमल्टेनियसली हम ग्रैंड पेरेंट का जी का कलर रेड कर देंगे, जो सबसे पहले ब्लैक था उसको अभी हमने रेड कर दिया है. तो ये सब करके हमारा जो ट्री है अभी ये बैलेंस हो गया है. आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ऑलवेज रूट नोड तो ब्लैक होता है, तो यहाँ पे हम ये वाला जो ट्री है ना वो एक सब ट्री है ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए जी का कलर हम यहाँ पे रेड छोड़ रहे हैं, रख रहे हैं. अगर ये ट्री हमारा है वो एज इट इज ट्री है वेर जी इज अ रूट नोड, अभी ये केस में हमें जी का फिर से रिकलर करना पड़ेगा ब्लैक. एंड नाउ हियर यू कैन सी दैट इट इज दिस ऑल्सो फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द रेड एंड ब्लैक ट्री. Now let's go for the next and the second case, where the second case was जहाँ पे हमारे X के अंकल का कलर है ब्लैक कलर. तो यहाँ पे हमारे पेरेंट का कलर जो है वो ब्लैक नहीं है, मतलब कि पेरेंट तो हमारा रेड है, और वो जो हम नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो रूट भी नहीं है, इसलिए उसको पेरेंट है. तो उसके अंकल का कलर अगर ब्लैक होता है तो हमें चार केसेस फॉलो करनी होती है. तो सबसे पहली केस जो होती है लेफ्ट लेफ्ट केस, वो क्या होती है ये अभी वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लेफ्ट राइट केस ये सेकंड केस हो जाएगा, राइट राइट केस ये हमारा थर्ड केस, एंड राइट लेफ्ट केस हमारा फोर्थ केस हो जाएगा. अभी ये एक एक मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन बाय वन. तो अभी अंकल अगर हमारा ब्लैक है तो हमें सबसे पहले रोटेशन करना है, एंड इफ रिक्वायर्ड हम रिकलरिंग भी करेंगे. सो सबसे पहला केस है हमारा लेफ्ट लेफ्ट केस. तो यहाँ पे जो लेफ्ट लेफ्ट केस है वो हम डिसाइड करने वाले हैं पोजीशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड एक्स. सो लेट्स सी, यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट है उसका लेफ्ट चाइल्ड हमारा पेरेंट है, एंड उसका लेफ्ट चाइल्ड हमारा नया नोड है एक्स. तो ये हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट केस.
तो यहाँ पे जो नया नोड हमने इंसर्ट किया हुआ है वो रेड कलर का है, पैरेंट भी रेड कलर का है, तो ये साइमल्टेनियस एडजेसेंट टू नोड्स रेड कलर के अलाउ नहीं है हमारे रेड एंड ब्लैक ट्री में, और हमारे अंकल का कलर तो है ब्लैक। तो फिर हमें क्या करना है? तो ये हमें ऐसा अगर केस होता है तो हमें सबसे पहले राइट रोटेशन करना है, जो हमारा ग्रैंड पेरेंट है उसको हम रोटेट कर देंगे, तो हमारा ग्रैंड पेरेंट बन जाएगा राइट चाइल्ड ऑफ पी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पी हमारा रूट नोड बन गया है और जी उसका चाइल्ड बन गया है राइट चाइल्ड। पर आफ्टर रोटेशन हमें फिर से रीकलरिंग करना है, तो अभी रीकलरिंग जो करना है, प्रीवियसली पी यहाँ पे अगर पेरेंट हो जाता है और जी उसका चाइल्ड हो जाता है तो पी हमारा बन जाता है रूट नोड, तो वो हमें तो सबसे पहले ब्लैक कर देना है, और जी का कलर पहले था ब्लैक वो हमें रेड कर देना है। और हियर आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड हो चुका है। अभी हम दूसरा केस के लिए जाएंगे, वो दूसरा केस है लेफ्ट राइट केस। अगेन ये जो होगा डिसाइड होगा पोजीशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट पेरेंट एंड एक्स नोड। ग्रैंड पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है पेरेंट नोड एंड पेरेंट का राइट चाइल्ड है एक्स नोड, न्यूली इंसर्टेड नोड। सो यहाँ पे हो गया लेफ्ट एंड राइट केस। अगर ये केस होता है तो ये दोनों है पेरेंट एंड एक्स नोड चाइल्ड नोड, दोनों का कलर रेड है और जो अलाव नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर देंगे लेफ्ट रोटेशन। तो एक्स बन जाएगा हमारा पेरेंट नोड एंड पी बन जाएगा हमारा लेफ्ट चाइल्ड नोड। उसके बाद अभी आप ये देख सकते हो जो प्रीवियस वाला केस था लेफ्ट लेफ्ट वाला केस, वही सेम फॉर्म हो गया है, तो उसके ही हम ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। दैट इज सबसे पहले हम राइट ऑपरेशन राइट रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑन जी, तो वो जी नीचे आ गया, एक्स हमारा अभी पेरेंट नोड बन गया, और ये दोनों का हमें रिकलरिंग करना है। सो ये हमें करना है अगर केस हमारा लेफ्ट राइट केस है तो आगे चल के देखते हैं राइट राइट केस। ये जस्ट मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट लेफ्ट केस है, जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट का राइट चाइल्ड पेरेंट है एंड पेरेंट का राइट चाइल्ड अभी न्यूली इंसर्टेड नोड है। तो विल यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं ऑपरेशन जस्ट सेम एज ऑफ द लेफ्ट लेफ्ट केस बट इन रिवर्स ऑर्डर। वहां पे हमने राइट रोटेशन किया था, अभी हमारा राइट राइट केस है, हमें लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना है एंड आफ्टर परफॉर्मिंग लेफ्ट रोटेशन हमें रिकलरिंग भी करना है। तो हमारा पेरेंट बन जाए पी बन जाएगा अ पेरेंट नोड, जी बन जाएगा उसका लेफ्ट चाइल्ड नोड एंड पी एंड जी का हमें रिकलरिंग करना है, और वी कैन से दैट द स्वैपिंग ऑफ द कलर्स। एंड हमारा लास्ट वाला जो केस है वो है राइट लेफ्ट केस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रैंड पेरेंट का राइट चाइल्ड है पी और पी का लेफ्ट चाइल्ड है एक्स नोड, दैट इज राइट लेफ्ट केस। तो उसके बाद हमें क्या करना है? अभी आप ये भी देख सकते हो कि ये वाला जो है वो मिरर इमेज है लेफ्ट राइट केस का, तो जस्ट अपोजिट हमें करना है। वहां पे हमने लेफ्ट रोटेशन किया था, यहाँ पे हमें राइट रोटेशन करना है। तो राइट रोटेशन करने के बाद एक्स हमारा बन जाएगा पेरेंट नोड, पी हमारा बन जाएगा चाइल्ड नोड, और उसके बाद प्रीवियस वाला केस राइट राइट केस अप्लाई करके हमें हमारा बैलेंस रेड एंड ब्लैक ट्री मिल जाएगा। ये सब केसेस देखने के बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। वो एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि रेड एंड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई है। आफ्टर इंसर्शन ऑफ एवरी नोड हमें ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि ये सारी प्रॉपर्टीज हमारा ट्री फॉलो कर रहा है या नहीं। सबसे पहले 10 इंसर्ट हो गया, वो खुद रेड कलर का था लेकिन वो रूट नोड है अभी, इसलिए हमने उसको ब्लैक कर दिया। नेक्स्ट हमने 20 इंसर्ट किया था, उसके बाद वो नया नोड है इसलिए हमने रेड बना दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी बैलेंस हो रही है। 30 इंसर्ट करने के बाद ये दोनों का कलर रेड है, इसलिए हमने यहाँ पे राइट राइट केस फॉलो करके उसको ऑपरेशन परफॉर्म किया। अभी हमने नेक्स्ट वाला 15 इंसर्ट किया, तो ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट राइट केस। पर उससे पहले हम देख लेंगे कि अंकल का कलर रेड है, यहाँ पे सिर्फ रिकलरिंग कर लिया, और 20 का कलर हमने फिर से यहाँ पे चेंज कर लिया क्योंकि ये हमारा रूट नोड है।
So at the end, this tree is following all the properties of red and black tree. Thank you, dear friends, for listening my video. If you like the content,